हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटिल रुद्र एंड मॉम वर्ल्ड। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स और बच्चों की प्री राइटिंग स्किल्स के बारे में कि जब बच्चे लिखना शुरू करेंगे उससे पहले आपको बच्चों के लिए क्या क्या करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको फाइन मोटर्स पे काम करना पड़ेगा और इन बच्चों की तीन जो ये फिंगर है इनकी ग्रिपिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कुछ एक्सरसाइज है जो अब आप करा सकते हैं। बच्चों को आटा देना है आपको गीला या क्ले दे दे और उसमें आप बच्चों की इन फिंगर्स से पॉइंट कराए, उन्हें पकड़े, उनसे शेप बनवाए। आटा हो, क्ले हो, जो भी चीज आपको पसंद हो या जो अवेलेबल हो आपके पास इजीली, तो वो सब चीजें आप बच्चों को दे। जैसे मैं अपने बच्चे के साथ कर रही हूँ ऐसे भी आप बच्चों से करवाए इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि ये प्री राइटिंग जो आपकी जो एक्टिविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इससे बच्चों के हाथ में ग्रिपिंग आती है, बच्चा अच्छे से पेंसिल को होल्ड कर पाता है और लिखता है। गाइज, और हम क्या कर सकते हैं, आप राजमा छोले या कोई भी चीज ले लीजिए जो आपको लगे, बीट्स ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, काजू ले लीजिए, जो भी अवेलेबल हो वो ले लीजिए और बच्चों से पहले इस तरीके से उठवाएं, या और फिर बाद में आप क्या करें, बच्चों से कहें कि इन टू फिंगर्स से आप उठाइए। तो इन तीन फिंगर का रोल आपको मेन बच्चों की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। तो गाइज, ये सारी एक्टिविटी है जो आप बच्चों के साथ कराएं। थर्ड, आप क्या करें, आप बच्चों को अभी डायरेक्ट पेंसिल से ना लिखवा के आप बच्चों से क्या करें, आप बच्चों से आटा चावल की प्लेट ले लीजिए और उस पे बच्चों से ड्रॉ करवाएं इस तरीके से, वन सी इस तरीके से आपको बच्चों से एक इम्प्रेशन ड्रॉ करवाना है उनकी फिंगर से, क्योंकि बच्चे जब इस तरीके की लाइन ड्रॉ करेंगे तो बच्चों को समझ आएगा कि ये हमारी हाथ से कुछ हम बना रहे हैं, उन्हें मजा आने लगेगा। आप उन्हें दे दीजिए बच्चों को ना अच्छे से ना, धीरे धीरे खुद ही मिट्टी पे बनाने लग जाएंगे बच्चे, कहीं और लिखने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों को आदत डालिए कि वो इस तरीके से इम्प्रेशन ड्रॉ करे। गाइस, ये सारी चीजें हैं जो आप बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा करके सिखाएं, क्योंकि इन सब चीजों से बच्चों की होल्डिंग, ग्रिपिंग और बच्चों का फाइन मोटर इम्प्रूव होता है। और वैसे भी जिन बच्चों को डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा उनका जो फाइन मोटर है वो ठीक नहीं होता है, तो जिसके लिए आपको थोड़ी मेहनत और करनी होगी। तो गाइस, इसमें आप क्लॉथ पिन एक्सरसाइज करें, बच्चों से छोटे छोटे बीट डलवाएं, इससे बच्चों का फाइन मोटर अच्छा होता है। तो गाइस, इस तरह की कुछ एक्टिविटी करा के आप बच्चों को राइटिंग करना सिखा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।